जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान हमें कितने समय में और किस प्रकार मिल सकते हैं, इसके संबंध में कली संतरण उपनिषद में आया है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र के 3.5 करोड़ जप से भगवान मिल जाते हैं। महाभारत में लिखा है कि निरंतर भगवान का स्मरण करने से 6 महीने में भगवान मिल जाते हैं। भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाए तब भगवान 1 मिनट में ही मिल जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति का फल एक दर्पण की तरह है। जिस भाव से, जिस इमोशन से हम दर्पण को देखेंगे, हमें दर्पण में वैसा ही हमारे चेहरे का भाव दिखाई देगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, ये यथा माम प्रपधन्ते तास्तथेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसे है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जिस भाव से हम भगवान को चाहने लगें, उसी भाव से भगवान हमें चाहने लगेंगे। एक महापुरुष ने बड़ा ही अच्छा दृष्टांत दिया है। एक छात्र ने उनसे पूछा कि हमें प्रभु से मिलाइए। उन महापुरुष ने कहा कि मिल तो सकते हैं, इसके लिए तीव्र साधन करना पड़ेगा। महापुरुष छात्र को गंगा स्नान के लिए ले गए। गंगा जी में ले जा कर के और उन्होंने उस छात्र को डुबकी लगाने के लिए जल में दबा दिया। छात्र छटपटाने लगा। 1 मिनट के बाद बाहर निकाला। छात्र ने कहा, आप क्या मुझे जान से मारने के लिए यहाँ लाए थे? गुरुजी ने कहा, 1 मिनट में भगवान किस तरह मिल सकते हैं, यह सिखाने के लिए लाए थे। देखो, तुम्हें मैंने जब दबा दिया था तब बाहर निकालने की तुम्हारी इच्छा कैसी थी? इसी प्रकार संसार से बाहर निकालने की इच्छा हो और भगवान से मिलने की इच्छा हो, तब वह तीव्र इच्छा है और उस अवस्था में प्रभु तुरंत ही मिल सकते हैं, मिनट में ही मिल सकते हैं। लगन कैसी होनी चाहिए? लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। सब लगन लगन कहते हैं, किंतु लगन तो है जिसमें अपने तन मन को खो दिया जाए। हम लोगों में तीव्र इच्छा नहीं है, इसीलिए विलंब हो रहा है। हमारी चाल धीमी है, हमारा साधन ढीला है। प्रिय भाई बहनों, जो मंत्र कली संतरण उपनिषद में आया उसे मैंने आपको अभी बताया। इस मंत्र में प्रभु का नाम 16 बार आया है, इसलिए इसे 16 मंत्र भी कहते हैं। और इस नाम जप की महिमा अनंत है, क्योंकि कलयुग में यज्ञ द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा प्रभु को प्राप्त करना मुश्किल है, कठिन है। उसका कारण यह है कि आजकल कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है, आजकल किसी के अंदर इतना ज्ञान नहीं है जो विधि विधान से यज्ञ पूर्ण कर सके या पूजा पाठ आदि को संपन्न कर सके, इसलिए नाम की महिमा को अनंत बताया गया है। इस नाम जप से प्रभु को बड़ी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी से मेरी विनती है, अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को इस मंत्र के बारे में पता लग सके। जितना अधिक आप शेयर करेंगे, जितने लोग इस मंत्र को जानेंगे, उसका फल भी आपको ही मिलेगा, इसलिए इस कार्य में पीछे ना रहें। प्यारे भाई बहनों, सच्चे गुरु के भाव में यह 16 मंत्र, प्रभु का यह 16 नाम का मंत्र ही एकमात्र सहारा है कलयुग से उभारने का, पाप कर्मों से बचाने का। इसलिए कृपा कर इसे आप भी जपें और अपने साथ के प्रिय मित्रों को, प्रियजनों को भी अधिक से अधिक इसे बताएं, इसके नाम जपने की महिमा को बताएं और जपने के लिए कहें, जिससे उनका भी कल्याण हो और साथ ही साथ आपको भी उसका फल प्राप्त हो।
अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।